आज हम आप सभी के लिए एक इतना अच्छा एक बढ़िया टॉपिक्स यानी हाउ टू अर्न ऑनलाइन, वो भी आप घर बैठे कैसे आप ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में यानी आप कमा सकते हैं, वो भी आपका हैंडसेट यानी मोबाइल हैंडसेट में। यानी आपके पास अगर 4G हैंडसेट है तो आप ऑनलाइन घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, वो भी विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट। तो कैसे, चलिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तो मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखें। और आपको इस वीडियो को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। आज आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन। और आपको बहुत सारा मुझे फ्रेंड कमेंट्स सेक्शन में और बहुत सारा फ्रेंड है मुझे ऐसे ही फ़ोन करके बताया कि प्लीज़ यार कोई ऑनलाइन का वीडियो या ऑनलाइन अर्निंग का कोई वीडियो है तो प्लीज़ यार, या साइट्स वेबसाइट कुछ भी है तो आप प्लीज़ मुझे शेयर करो। तो मैं इसी के चलते हुए इस वीडियो को बनाने का मकसद है मेरा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़, अगर आप चैनल में नया है और इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी विदाउट फ्री कुछ भी इन्वेस्ट करे बिना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दो और शेयर दोस्तों के साथ जरूर करना, वो भी आपको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जो आपको काम यानी जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग बता रहा हूँ वो एक्चुअल में है आपका लिंक शेयर करने का। यानी एक ऐसा प्रोसेस है, हम ऐसा भी कभी देखते हैं कि किसी भी हम लिंक को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एक एड्स आता है। आप लोग देखे होंगे जैसे कि हम लोग यूट्यूब किसी भी यूट्यूब मोनेटाइज्ड यूट्यूब जो चैनल्स है उसमें हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमको कुछ ऐड वगैरह दिखना पड़ता है, तो वही है मोनेटाइज्ड अकाउंट, यानी उसी से अर्निंग होता है। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट, आपको कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं है और आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम, बहुत कुछ ट्विटर चलाते हैं, तो क्या होता है किसी भी फ्रेंड्स जैसे कि कोई न्यूज़ हो गया, कोई किसी का कुछ भी फेक न्यूज़ हो गया, रियल न्यूज़ हो गया, कोई भी वीडियोस हो गया, कुछ भी है, तो आप अपना फ्रेंड को शेयर करते हैं कि चलो भाई मेरे पास भी है, मैं आपको भी शेयर करता हूँ देख लेना। तो आप जो वीडियो दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, कुछ भी शेयर करते हैं, करने के बाद क्या होता है कि उस वीडियो को आप जब भी शेयर करते हैं तो आप इससे कुछ आपका इनकम नहीं होता है। मैंने यानी आप व्हाट्सएप में फेसबुक में कुछ भी शेयरिंग करते हैं वीडियो को, आप उससे कुछ अर्निंग नहीं कर पाते, एक्चुअल में उसमें ऐड लगा हुआ नहीं रहता है और वो मोनेटाइज नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसी तरह से, मैं जो आपको बताने वाला हूँ एक टॉपिक्स और जो वेबसाइट के बारे में, एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में, इससे आप इजीली अपना मोबाइल फ़ोन से आप अर्निंग कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। तो एक्चुअल में अर्निंग करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको लिए आपको इसके लिए एक चाहिए 4G हैंडसेट और कुछ अकल। तो अकल एक्चुअल में आप लोगों को गलत होगा कि आप अगर आप वीडियो देखते तो आपको जरूर अकल होगा। एक्चुअल में अकल एक्चुअली वो है क्या कि कैसे आप कर सकेंगे, कैसे आप अर्निंग कर सकेंगे। तो वीडियो को बने रहे, मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ और पूरा फुल डिटेल्स A to Z करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि रोज़ाना मैं इस तरह का वीडियो आप सभी के लिए डालता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अपना मोबाइल का जो स्क्रीन है इसमें आ चुका हूँ और आपको मैं ले चलता हूँ अपना प्ले स्टोर में। देखिए प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इसमें ईजिली लिखना है आपको ADF.LY, देखिए आपको सर्च करना है। करने के बाद आपको सबसे पहले जो ऐप्स आएगा उसको आपको क्लिक करना है और आपको इसमें इंस्टॉलेशन करना है। देखिए मैं इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ और इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसके लिए ऑलरेडी इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ओपन करने के बाद देखिए इजीली इस तरह का मुझे खुल के आ गया, क्योंकि मैं पहले कोई काम नहीं किया इस पर, तो मैं फर्स्ट टाइम इसको रजिस्ट्रेशन किया हूँ। तो इसमें रजिस्ट्रेशन की और मैं आपको किस रजिस्ट्रेशन करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ और आपको इसमें ज़रूर रजिस्ट्रेशन करने का इसमें लिखा होगा आपका लॉगिंग विथ गूगल।
आपको गूगल से भी कर सकते हैं, यानी उसके बाद ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, और आपके नीचे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, तो आपको सब करना क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए आपको पूछा जा रहा है आपका नाम क्या है, तो मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ, इसमें मैं अपना नाम डाल दिया। उसके बाद यूज़र नेम पूछा जा रहा है, तो आप यूज़र नेम एक डाल दीजिएगा कुछ भी, ठीक है, कुछ भी डाल दीजिएगा, मैं डाल दे रहा हूँ। और आपको ईमेल आईडी आपको करेक्ट डालना है, तो मैं अपना ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। डालने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आपको पासवर्ड आपको, तो देखिए मैं पासवर्ड इसमें डाल चुका हूँ, और अभी मैं इसको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा। देखिए रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद इसमें देखिए यूज़र नेम इज़ 123 ऑलरेडी यूज्ड, मैं इसको फिर चेंज कर रहा हूँ, तो इसमें मैं कुछ अलग सा टाइप का कुछ यूज़ कर दे रहा हूँ, तो इसमें मैं @ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। करने के बाद मैं इसको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँ, तो इसमें बता रहा है कि नहीं आपको @ नहीं चलेगा, तो इसमें मैं कुछ और लगा देता हूँ, चलो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसमें रॉय 123, ठीक है। करने के बाद मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, फिर भी बता रहा है कि इज़ ऑलरेडी यूज्ड, तो चलिए मैं फिर उसको और चेंज करता हूँ, चलिए इसको मैं 1991 इसको रजिस्ट्रेशन करो। तो देखिए वीक पासवर्ड, यानी पासवर्ड जो आप डाले हैं वो वीक है कुछ, फिर मैं चेक कर रहा हूँ आपका जो इंटरनेट, सॉरी वीक पासवर्ड, यानी आपका जो पासवर्ड वीक है वो नहीं चलेगा, तो मैं इसको फिर से पासवर्ड को रीसेट करता हूँ, तो मैं पासवर्ड डालने के बाद फिर इसको रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस करता हूँ। देखिए रजिस्ट्रेशन फिर भी उधर बोल रहा है कि पासवर्ड जो है वो ऑलरेडी नहीं ले रहा है, कुछ टेक्निकली शायद प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डालने के बाद आपको मोबाइल पे एक लिंक जाएगा, ठीक है, यानी मोबाइल सॉरी आपका ईमेल आईडी में एक लिंक जाएगा, उसी लिंक को आपको प्रोसेस करना है, और आपको जो इसमें एक कॉपी है, तो मैं आपको फिर भी कोशिश करके दिखा रहा हूँ कि आपका अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो फिर मैं थोड़ा पासवर्ड चेंजेस करके दिखा रहा हूँ, तो आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन का आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लेना है। करने के बाद आपको, ठीक है, मैं आपको मेल में भी दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, जो आपको इस मेल के करना क्या, आपको ईमेल में जाना है, जीमेल में जाने के बाद जैसे कि देखिए मेरे पास, मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, तो इस तरह का आपको एड फ्लाई का मेल आएगा, और आने के बाद इसका आपको ओके करना है, ठीक है, आपको क्लिक करना है, क्लिक करना, देखिए इसमें 3 ये कोड लिखा हुआ है, तो आपको इस कोड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद टू ऑन टू आवर कॉन्फर्मेशन वेब पेज, तो आपको इसमें इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक दूसरा वेबसाइट खुल जाएगा, और आपको देखिए प्लीज़ अकाउंट कॉन्फर्मेशन में आपको आ जाएगा, इसमें आपको आपको जो आपको कॉपी किए हैं उसको आप इसमें पेस्ट कर दी, पेस्ट करने के बाद आपको कॉन्फर्मेशन रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जो अगर आपका जो अकाउंट है वो देखिए अकाउंट कॉन्फर्मेशन सक्सेस, हाँ योर अकाउंट हैज़ बीन ऑलरेडी कन्फर्म, यू मे लॉग इन विद योर अकाउंट डिटेल्स, गो टू बैक, ठीक है। तो इस तरह से आपको करने के बाद आपको ऑलरेडी आपको सिम सेम उसी ऐप्स में आपको चला जाना है, ठीक है। मैं जैसे देखिए मैं आप उसी वेबसाइट में यानी उसी ऐप्स में जा रहा हूँ, और मैं इसमें लॉगिन के प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें लॉगिन प्रोसेस कर रहा हूँ मैं, तो देखिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह से एक पेज खुल गया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया हूँ, तो करने के बाद आपको इस तरह के पेज खुल के आ गया, ठीक है। आपको अर्निंग क्या है नहीं है वो आपको इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद आपको करना क्या है, आपको किसी भी साइड में चल जाइए, जैसे कि मैं अभी फेसबुक, चलिए मैं फेसबुक पे जाता हूँ, ठीक है। यानी आपको किसी को न्यूज़ शेयर करना है, कुछ भी शेयर करना है, तो मैं देखिए मैं फेसबुक पेज पे जा रहा हूँ। जाने के बाद देखिए मैं सोचिए मुझे कुछ इस तरह के जाने बाद मुझे आपको जैसे इस तरह से कोई भी आप लिंक शेयर करना है आपको, तो आपको देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक मिनट, देखिए जी इसको मैं इस वीडियो को क्लिक कर रहा हूँ, और इसमें मैं इसका लिंक लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका लिंक मुझे जैसे कि मैं इसमें आपको आपको फेसबुक खोलना है, तो आपको इसमें आपको फेसबुक पेज से नहीं आएगा, आपको करना क्या है, आपको सीधे जाना है आपको किसी ब्राउज़र पे, यानी लिंक कॉपी करने के लिए आपको ब्राउज़र में जाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं
इसमें जाऊंगी अभी फेसबुक में, देखिए मैं फेसबुक या कुछ भी न्यूज़ एक्चुअली आप कुछ भी चाहिए, जैसे कि फेसबुक पेज में गया, ठीक है, फेसबुक इस पेज में गया, जाने के बाद देखिए सोचिए मैं इसी पेज को मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे तो इसमें सॉरी तो इसमें मुझे देखिए मैं अपना अकाउंट जो फेसबुक का उसमें मैं लॉगिन हो रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन होने के बाद देखिए यस मैं लॉगिन हो रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो लॉगिन होने के बाद देखिए इसमें आपका यानी मैं इसी पेज को शेयर करना चाहता हूँ किसी के साथ, तो इसमें इसमें जो लिंक दिखाई है आपका देखिए फेसबुक में, इसमें इस लिंक को मैं कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद अभी मैं मेरे जो ऐप्स है उसी ऐप्स में जाने वाला हूँ, देखिए एडी एप फ्लाई, इसमें जाने के बाद उसी लिंक को आप इसमें पेस्ट करना है। पेस्ट कर देखिए, पेस्ट करने के बाद आप स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है। देखिए आपको कॉपी का ऑप्शन आ गया, इसमें कॉपी कर लेना है, यानी कि आप लिंक जो बनाए हैं उसको कॉपी हो गया। आप अभी क्या कीजिएगा, आप किसी फ्रेंड को आप वो शेयर कर दीजिए। देखिए मैं अभी शेयर करूँ, जैसे कि मैं उसी लिंक को मैं दूसरे के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए पेस्ट किया, उसके बाद शेयर किया, करने के बाद आप अगर वो जिसको अब मैंने शेयर किया वो अभी उसी लिंक को अगर क्लिक करता है तो किस तरह से आता है, देखिए वो पेज कि करने के उससे पहले से जैसे कि वो लिंक क्लिक करेगा उसी लिंक को, तो सबसे पहले उस लिंक में पहले 5 सेकेंड्स का एक ऐड आएगा, ठीक है। देखिए ऐड आ गया, तो इसमें बोल रहा है प्लीज़ अलाउ टू कंटिन्यू, तो मैंने इसको अलाउ किया, उसके करने का बैक किया, देखिए 5 सेकेंड बता रहा है, तो 5 सेकेंड हो गया। उसके बाद मैं इसकी ऐड इसमें लगा दूँ, तो नहीं लगाने से भी वो ऑटोमेटिकली इसको कर देगा। इसकी ऐड में क्लिक किया, देखिए करने बाद जो फेसबुक में मेरा पेज है मैं जिसको शेयर किया वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, और आपको इससे और एक अच्छा खासा अर्निंग हो जाए होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो लगा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए, अगर कुछ गलती होता है तो आज के लिए इतने, बाय बाय।